सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन मैपिंग फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इस कंसेप्ट को आ, समझ के फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो भी जेनेटिक्स में आते हैं तो ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप लेक्चर ही होने वाला है बट इसमें थोड़ा सा पहले कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझते हैं उसके बाद जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स डाई हेब क्रॉस से आएंगे तो वो आपको आराम से आ जाएंगे या जीन मैपिंग से आ जाएंगे अब देखो टॉपिक है जीन मैपिंग फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस तो फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस जीन मैपिंग कैसे कर सकते हैं फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस दैट मींस अ टाइप ऑफ ए डायव क्रॉस तो टू पॉइंट क्रॉस क्या होता है जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं दो लोकाइस इसमें टू लोक टू लोक आर इन्वॉल्वड तो दो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अक्रॉस इन्वॉल्विंग टू लोग है एक क्रॉस जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट क्रॉस इज रेफर टाइज टू पॉइंट क्रॉस उस क्रॉस को हम टू पॉइंट क्रॉस कहते हैं तो जब जीन मैपिंग हम करेंगे फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस तो वो कैसे हम करते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि हाउ हाउ द जीन मैपिंग फ्रॉम टू पॉइंट क्रॉस कैन बी डन तो उसके लिए कौन से एग्जाम्पल हम ले जाएंगे हम यहाँ पर एक पाइसम स्टाइवम उठाएंगे पाइसम स्टाइवम में हम सिंपली कहेंगे कि जो नैरो पॉड है पाइसम स्टाइवम पाइसम स्टाइवम हम पाइसम स्टाइवम के एग्जाम्पल उठाएंगे और पाइसम स्टाइवम में क्या जो नैरो पॉड होता है नैरो पॉड यह नैरो पॉड क्या होता है ये एक रिसेसिव यह एक रिसेसिव ट्रेट है नैरोपॉड क्या है एक रिसेसिव ट्रेट है और इसको हम किस अलील से डिनोट करते हैं ए अलील से इट इज डिनोटेड बाई ए अलील ठीक है और यह रिसेसिव किसके लिए होता है इट इज रिसेसिव टू नॉर्मल पॉड अगर हम नॉर्मल पॉड की बात करें तो नॉर्मल पॉड डोमिनेट होता है ठीक है तो नॉर्मल पॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए अलील इतनी बात और इसी तरीके से हम पाइसम स्टाइवम में जो येलो पॉड होता है येलो पॉड ये एक रिसेस ये रिसेसिव होता है किसके लिए टू ग्रीन पॉड ठीक है तो येलो पॉड क्या है रिसेसिव येलो पॉड रिसेसिव है ठीक है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी एलील से और ग्रीन पॉड क्या है ग्रीन पॉड डोमिनेंट तो है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से तो ग्रीन पॉड तो कलर ऑफ पॉड जो ग्रीन पॉड है इट इज डोमिनेंट और हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से इतनी बात आ गई अब हम उठाएंगे इन्हीं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को जिनमें नैरो एंड येलो पॉड्स हैं ठीक है थीके? तो नैरो और येलो पॉड्स दैट मींस नैरो पॉड और येलो पॉड नैरो पॉड एंड येलो पॉड इनको हम क्या करेंगे ब्रीडअप करेंगे तो इसको किसके साथ ब्रीडअप करेंगे नॉर्मल किसके साथ नॉर्मल एंड ग्रीन पॉड तो नॉर्मल एंड ग्रीन पॉड के साथ तो जब हम क्रॉस लगा देंगे तो हमें एफ वन इंडिजुअल्स मिलेंगे यहाँ से दो गिमेट्स बनेंगे क्योंकि दो ही दो ही जी अलील्स मतलब वन अ, वन टू पेयर ऑफ अलील्स है बट होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर इस तरीके से ए भी एक अलील एक गिमेट ए बी निकलेगा दूसरा भी ए बी निकलेगा तो यहाँ पर भी ए बी निकलेंगे गिमेट्स ठीक तो जब एफ वन आएंगे एफ वन इंडिजुअल्स कैसे होंगे ए ए बी बी ठीक है तो एफ वन इंडिजुअल्स आर ए ए बी ठीक हो गए ये तो यही एफ वन इंडिजुअल्स को हम क्या करेंगे वी विल टेस्ट क्रॉस दम और टेस्ट क्रॉस किसके साथ करेंगे विद द विद्लांट विद नैरो एंड येलो पॉड्स तो इस रिसेसिव प्लांट के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे किसको टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो एफ वन इंडिजुअल विद द रिसेसिव पेरेंट तो टेस्ट क्रॉस किसके साथ करेंगे टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस में हम एफ वन इंडिविजुअल को उठाएंगे और क्रॉस करेंगे किसके साथ विद द रिसेसिव पेरेंट दैट इज ए ए बीबी ए ए बीबी ठीक है जिसमें नैरो पॉड और येलो कलर है ठीक है येलो पॉड्स एंड नैरो पॉड एंड येलो पॉड येलो पॉड तो नैरो एंड येलो पैरेंट इसके साथ हमने एफ वन का क्या किया अप कर दिया तो जब हम क्रॉसअप करेंगे तो ऑफ स्प्रिंग जो क्रॉस से निकलेंगे ठीक है? वो हम देखेंगे यहां पर। हमें कैसे ठीक तो, हम तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा ये तो टेस्ट क्रॉस मैं देखो अगर मैं टेस्ट क्रॉस सिंपली करूं तो यह ऐसे हो जाएगा इसमें कितने इसमें टू पेयर ऑफ लील्स है, दो पेयर लील्स के एक तो ए ए बी बी ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगी कंबिनेशन कैसे हो जाएगी अगर मैं यहां पर इसके गिमेट्स बनाऊंगा तो ए बी एक गिमेट दूसरा ए बी ठीक है ए बी भी हो जाएगा या तीसरा ए बी ठीक है और चौथा चौथा हो जाएगा ए बी तो चार गिमेट्स इससे आएंगे चार के मेट्रिक आएंगे इससे क्या आएगा ये होमो जाएगे से ए बी और ए बी तो अब हम उठाएंगे अब देखो यहाँ पर ए बी आ गया उसके बाद ए बी भी, भी आ गया उसके बाद तीसरा आया था हमारा ए बी और ए बी ए बी और ए बी ये चार तो इसको किसके साथ क्रॉस अप करेंगे हम विद ए बी ए बी अब जब हम टेस्ट क्रॉस करने वाले हैं तो ये क्या निकल जाएगा हमारा ए ए बी बी ए ए बी बी उसके बाद ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल उसके बाद ए समॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल अब देखो ये क्या हमारा निकल रहा है दैट मीन्स ये पैरेंटल टाइप्स निकल रहे हैं ये पैरेंटल टाइप है ठीक है ये है हाइब्रिड ठीक ये भी क्या है ये भी हाइब्रिड है और ये पैरेंटल टाइप्स है एफ एन इंडिजुअल का पैरेंटल टाइप ठीक है तो ये पैरेंटल टाइप है ये भी पैरेंटल टाइप है और ये दोनों क्या है हिटीरियो मतलब ये हाइब्रिड्स हैं, दीज आर हाइब्रिड्स तो हमें ये तो बात क्लियर हो गई अब हमें क्या दिया गया है अब हमें दिया गया है यहां पर फिनोटाइप फिनो टाइप जो हमें अभी निकल गया है ये फिनोटाइप और यहां पर दिया गया है नंबर नंबर एंड फिनोटाइप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है ए ए बी बी नॉर्मल एंड ग्रीन पॉड ये नॉर्मल और ग्रीन पॉड है पैरेंटल टाइप हो गया ये तो इसके इंडिविजुअल्स 445 दिए गए हैं इसी तरीके से आ, दूसरा दिया गया है ए ए बी बी ये भी पैरेंटल टाइप है ये क्या है यह है नैरो एंड येलो पॉड पैरेंटल टाइप 455 इसके इंडिविजुअल्स दिए गए हैं और उसी के साथ यहाँ पर दूसरा दिया गया ए फिर बीबी लेकिन यह हाइब्रिड है कितने हैं फिफ्टी और ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी और ये कितने फोर्टी नाइन तो ये दिए गए हैं नंबर विद द फिनोटाइप्स इतनी बात तो इस डाटा को लेके हम डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स जो जो जीन्स कैरेक्टराइज किसको कर रहे हैं पॉड शेप और पॉड कलर के जीन्स को हम नाप सकते हैं आराम से नाप सकते हैं। अगर ये डाटा हमें दिया गया होगा इसी तरीके से क्वेश्चंस आप देखोगे आगे के आने वाले हैं तो इस पर हम कैसे करेंगे तो सिंपल सी एग्जाम्पल हम लगा देंगे तो सिंपल सी एग्जाम्पल क्या है अगर हमें डिस्टेंस नापनी है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स अगर हमें सेंटिमोर्गन में डिस्टेंस नापनी है वो किसके बराबर रहेगी वो बराबर रहेगी नंबर टोटल नंबर ऑफ रिकमेंट्स टोटल नंबर ऑफ रिकमेंट्स डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिजुअल्स टोटल नंबर ऑफ इंडिजुअल्स इंटू हंड्रेड इन टू हंड्रेड अब देखो रिकमेंडेशन बेसिकली हमें यहां से क्या निकल जाएगा हमें यहां से रिकमेंडेशन फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी तो रिकमेंडेशन फ्रिक्वेंसी या डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स वो देखो आप वो सामने ही हमें नजर आएगी तो टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेंट कितने हैं इसमें कौन कौन सा रिकमेंडेंट है दिस इज द रिकमेंडेंट दिस इज दर कम तो जिनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है वही क्या हो जाते हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल इनकी लो फ्रिक्वेंसी है तो ये पेरेंटल टाइप ज्यादा है लेकिन यहां पर यह दिए गए हैं दिज आर दिज आर सिंपली द हाइब्रिड्स और जिनको हम हिटियोरोगस कहेंगे ये तो पेरेंटल टाइप्स है ऊपर वाले तो इसको हम एडअप करेंगे फिफ्टी फोर फोर्टी नाइन तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी वन प्लस फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फोर फोर्टी फाइव प्लस फोर फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी नाइन फोर्टी नाइन तो इसको हम एड अप करेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड ठीक है इनटू हंड्रेड ये दो कटे ये दो कटे ये कटा ये कटा तो टेन परसेंट निकल गया तो मुझे क्या निकल गया टेन टेन परसेंट मीन्स टेन सेंटीमोरगन तो डिस्टेंस टेन अगर रिकमेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यही रिकमनेशन फ्रीक्वेंसी भी होगी टेन परसेंट या हम सिंपली कहेंगे टेन टेन इज टेन सेंटीमोरगन इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स तो ये हमारा क्या निकल जाएगा ये हमारा सिंपली से निकल जाएगा इसका आंसर अब हम इसी पैटर्न पर यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं तो क्वेश्चन क्या है हमारा सिंपली क्वेश्चन है ऐसे देखो अब यहां पर क्वेश्चन आने वाला तो क्वेश्चन क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोजनी ए डाई हाइब्रिड ए डाई हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिड क्रॉस क्या कर रहा है प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोजनी वो फॉलोइंग प्रोजनी प्रोड्यूस कर रहा है वो फॉलोइंग प्रजनी प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है तो कौन कौन सी प्रजनी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है सिंपली एक प्रोजनी दी गई है ए ए बी बी टू फोर्टी इंडिविजुअल्स, ठीक है टू फोर्टी इंडिविजुअल्स, नहीं टू फोर्टी नहीं ए बी बी क्या दिया गया है ए बी बी दिया गया है ये सिंपली दिया गया है कितना सेवन फिफ्टी फोर और दूसरा इंडिविजुअल क्या दिया गया है दूसरा इंडिविजुअल दिया गया है ए ए बी बी वो कितना दिया गया है ए ए बी बी दिया गया है टू सिक्सटी ठीक है ए बी बी कितना दिया गया है टू सिक्सटी और उसके बाद दिया गया है ए ए बी बी ये कितना दिया गया है ये दिया गया है टू फोर्टी और उसके बाद दिया गया है अनदर वन इज ए ए बी बी ये दिया गया है ठीक है तो यह कितना दिया गया है ये सेवन फोर्टी सिक्स दिया गया है तो अब हमें ढूंढना क्या है वट टू कैलकुलेट वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स अब हमें निकालना है वट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स तो आराम से ये निकल जाएगा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ए एंड बी डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स दो जीन्स के दरमियान क्या डिस्टेंस होगी ए और ए के दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी ये हमें मेजर करना है तो कैसे हम मेजर करेंगे हमारे पास फार्मूला है हम रिकमंडेशन फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे या सिंपली डिस्टेंस तो डिस्टेंस या रिकमंडेशन फ्रीक्वेंसी तो किसके बराबर होती है वो टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिकमंडस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिजुअल्स टोटल नंबर ऑफ इंडिजुअल्स इन टू हंड्रेड ठीक तो कितना निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेंट कितने हैं हमारे देखो रिकमेंडेंट कौन कौन है तो टेस्ट क्रॉस से हमें पता चलता है तो ए एंड दिस ए ए बीबी ये क्या है हमारे ये रिकमेंडेंट्स है लो फ्रिक्वेंसी नहीं के तो रिकमेंडेंट्स हो गए और ये पैरेंटल टाइप्स है तो टू सिक्सटी प्लस टू फोर्टी कितना हो गया टू सिक्सटी प्लस टू फोर्टी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने सेवन फोर्टी सिक्स सेवन फिफ्टी फोर टू सिक्सटी तो देखो सेवन फोर्टी सिक्स प्लस सेवन फिफ्टी फोर प्लस टू सिक्सटी प्लस टू फोर्टी इंटू हंड्रेड ये कितना निकल जाएगा देखो ये कितना टू सिक्स प्लस टू फोर्टी कितने हो गया फाइव हंड्रेड सेवन ये हो गया फाइव और ये 14 हो गए पंद्रह पंद्रह 5 हो गए दो हजार तो टू थाउजेंड इंटू हंड्रेड ठीक है टू थाउजेंड इंटू हंड्रेड ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा फिफ्टी डिवाइड बाई टू तो ये फिफ्टी डिवाइड बाई टू हो जाएगा टू टू जर फोर एंड टू फाइव जो टेन तो ट्वेंटी फाइव परसेंट रिकमंडेशन फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी है या डिस्टेंस हमें निकालनी थी तो कितनी ट्वेंटी फाइव परसेंट रिकमनेशन फ्रिक्वेंसी निकलगी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट वन हमें पता ही है कि वन परसेंट वन परसेंट किसके बराबर होता है वन परसेंट रिकमेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन सेंटी मोर्गन तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव विल भी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटी मोरगन तो इसका आंसर निकल जाएगा आंसर विल भी ट्वेंटी फाइव सेंटी मोरगन या मैप यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा तो इसके आंसर में भी यही मतलब ऐसे थे आंसर अगर मैं ऐसे बोलूं ए था ट्वेंटी फाइव बी था ट्वेंटी सेंटीमोरगन सी था ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमोरगन और डी था डी कौन सा था डी था वन सेंटीमोरगन तो इसका हमारा क्या निकल गया ट्वेंटी फाइव आंसर तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आप देखो एक और क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं इस पर तो क्वेश्चन दूसरा टाइप का मैं यहां पर बोलूंगा क्वेश्चन है कि राउंड सीट स्ट्रेट इज डोमिनेट ये थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा ये मानो हर बी क्रॉस बेसड है तो राउंड राउंड सी ट्रेट राउंड सी ट्रेट इज डोमिनेट ज डोमिनेट ओवर रिंकलड ठीक है इज डोमिनेट ओवर राउंड सीड राउंड सीड ट्रेट जो है यह ट्रेट है राउंड सीड ट्रेट इज डोमिनेट ओवर रिंकलड ठीक है रिंक्लड हम आर से दिखाएंगे इज डोमिनेट इज डोमिनेट ओवर रिंकलड ट्रेट ठीक किसमें इन ए पी इन पी ठीक उसके बाद क्या लिखा है इन ए पी हिटीरोस राउंड सीडेड प्लांट्स देखो पहली बात है राउंड सीडेड ट्रेट इज डोमिनेट ओवर रिंकलेड ट्रेट इसी पी में क्या हो रहा है हिटीरोस हिटेरोस हेटेरियोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट हिटीरोस राउंड सीडेड प्लांट ये जो हिटीरोस राउंड सीडेड प्लांट होता है इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं इज क्रॉसेड विद रिंकलेड सीडेड प्लांट इसको किसके -किस साथ क्रॉस किया जाता है इज क्रॉसेड विद क्रॉसेड विद इज क्रॉसेड विद रिंकलेड सीडेड प्लांट प्लांट तो रिंकलेड सीडेड प्लांट के साथ इसको क्रॉस किया जाता है जिसका है आरआर। आर ठीक है वट इज द पॉसिबल प्रोजेनी पॉसिबल प्रोजेनी क्या है वट इज पॉसिबल प्रोजेनी तो हमें क्या निकालनी है पॉसिबल प्रोजेनी क्या हो जाएगी जब हम जब हम करेंगे राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस विद द रिंकल सीडेड प्लांट अब देखो आंसर क्या है इसका ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन आर थ्री हंड्रेड टू राउंड तीन सौ दो राउंड इज टू वन हंड्रेड टू रिंकलड बी पार्ट इसका आंसर क्या है वो है टू टेन राउंड इज टू नाइंटी फाइव रिंकलड तीसरा क्या है तीसरा है वन जीरो थ्री राउंड और नाइंटी नाइन रिंकलड और चौथा ऑप्शन क्या है वन जीरो थ्री राउंड Is to 315 देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्वेश्चन क्या है सिंपली हमें को ना देखना है इतना बा, इतनी बात कही गई है कि राउंड सी ट्रेट इज डॉमिनेट ओवर रिंकलेट ये हो गया ठीक है दैट मींस राउंड सी ट्रेट राउंड हम आर से दिखाते हैं राउंड सी ट्रेट इज डोमिनेट ओवर द रिंकल आर ट्रेड इन पी फिर क्या लिखा है राउंड सीडेड प्लांट हिटीरोस राउंड सीडेड प्लांट दैट मींस कैपिटल आर आर इज क्रॉसड विद समाल आर समॉल आर होमोजाइगस विद्लड सीडर वट इज द प्रोजनी हमें प्रोजनी निकालनी है तो प्रोजनी के लिए देखो हम क्या कहेंगे हमें ऑप्शन पर जाना ही नहीं है हम सिंपली कहेंगे कि किसको क्रॉस किया गया है हिटीरोजाइगस ठीक तो है राउंड सीडेड प्लांट विद होमोजाइगस रिंकलड सीडेड प्लांट तो मान हाइब्रिड क्रॉस यही कैपिटल आर समॉल आर यहां से क्या निकल जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर ये हो गए गेमेट्स इनके दीज आर दिमेट्स तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम एक पनट स्कैर बनाने वाले हैं तो पनट स्कैर में हम करने वाले क्या हैं हम इन गिमेट्स को यहां रखने वाले हैं अब देखो तो ये इससे निकल गए ये और इससे निकल गए कैपिटल आर स्मॉल आर अब हम देखेंगे इंडिविजुअल्स किस हिसाब से निकल जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर R तो दोनों की प्रॉबलिटी क्या है वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ बोथ दीज टू जो राउंड सीडेड uh, है uh, जो राउंड सीडेड है उनकी प्रॉबिलिटी आउट ऑफ फोर टू है और uh, जो रिंक्लिड है सीड है उनकी भी प्रॉबलिटी आउट ऑफ फोर टू है तो दैट मीन्स दोनों की प्रोबलिटी क्या है वन बाई टू हाफ ऑफ प्रोबिलिटी है तो अगर हाफ ऑफ प्रोबलिटी है तो दैट मीन्स रिंक्लड सीड्स भी उतने ही बनने चाहिए और राउंड uh, सीट्स भी इतनी ही बननी चाहिए तो अब हम देखेंगे ऑप्शन पर कहाँ पर हमें दिख, दिखाया गया है कि रिंक्लड सीट्स और राउंड सीट्स बराबर हैं 302 हंड्रेड टू रिंक्लड हंड्रेड एंड टू तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये तो नहीं आ सकता है टू हंड्रेड टैन नाइन्टी फाइव ये भी नहीं आ सकता है वन हंड्रेड थ्री राउंड नाइन्टी नाइन रिंकलड अभी ये भी नहीं आ सकता है अब टी डी है वन हंड्रेड थ्री राउंड थ्री हंड्रेड फिफ्टीन तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस थे ये भी नहीं आ सकता अब देखो लेकिन ऑप्शन तो इसी में है और ऑप्शन कौन बचा है मतलब हमने कहा कि वन हंड्रेड थ्री राउंड और 99 नाइन सबसे कम पॉसिबिलिटी कहां पर देखने को हमें मिल रही है कि लगभग बराबर बराबर ही है तो वन हंड्रेड थ्री और नाइन्टी नाइन तो दैट मीन्स वन हंड्रेड थ्री और 99 नाइन क्या है इट विल बी ना करेक्ट आंसर क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मॉन हर्ब क्रॉस प्रॉबलिटी वन बाई टू होनी चाहिए तो यहाँ पर दोनों मतलब एक बराबर बराबर होने चाहिए तो जितने राउंड सीट्स होते हैं रिंग कलर्ड तो इनमें इन, इन दोनों में क्या है कम डिफरेंस है वाई एज अगर दूसरे ऑप्शन पे देखे जाए 210 और 95 बहुत ज़्यादा डिफरेंस 320 और 102 बहुत ज्यादा डिफरेंस है 103 एंड 315 हंड्रेड फिफ्टीन बहुत ज्यादा डिफरेंस है और सबसे लीस्ट कम डिफरेंस किस में वन जीरो थ्री इज टू नाइन्टी नाइन तो नाइन्टी नाइन बराबर बराबर होंगे जो हो जाएंगे उसके बाद कितने एक्स्ट्रा हो रहा है हंड्रेड टू उसके बाद चार एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो हम नेग्लिजिबलाइज करेंगे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये एक और क्वेश्चन था तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन हैं अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर डाल दूँ तो क्वेश्चन है कि ये है कलर ब्लाइंडनेस पर ये क्वेश्चन है तो कल कलर ब्लाइंडनेस पर क्वेश्चन क्या है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन अ अमेन इफ ए कलर ब्लाइंड फ ए कलर ब्लाइंड अगर एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन मैरीज मैरीज ए वुमेन ये एक वुमेन के साथ शादी कर रहा है हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन हु इज होमोजाइगस वुमेन इज होमोजाइगस होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन तो दैट मीन्स ये नॉर्मल है इसका नॉर्मल विजन है बट के होमोजाइगस है ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बींग कलर ब्लाइंड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन टू बी ब्लाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन टू बी ब्लाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ देयर सन टू ब्लाइंड तो कितनी हो जाएगी ऑप्शंस पर हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए ए जीरो ठीक है बी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट सी जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट और डी वन परसेंट अब देखो प्रोबेबिलिटी पर हम देखेंगे यहाँ पर और इस प्रोबेबिलिटी पर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी लाऊंगा तो कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वूमेन तो ये क्या है कलर ब्लाइंड मैन और हमें पता है कि कलर ब्लाइंड डिजीज क्या है इट्स एन एक्स लिंकड रिसेसिव डिसऑर्डर तो कलर ब्लाइंड मैन में क्या है हो गया एक्स क्योंकि ये एक्स लिंकड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो एक्स पर डिफेक्टिव है तो कलर ब्लाइंड मैन किसके साथ मैरी कर रहा है विद अ आइस नॉर्मल का नॉर्मल कलर विजन वुमेन तो ये है नॉर्मल द फीमेल इज़ नॉर्मल जिसके साथ ये शादी कर रहा है तो अब हम क्या कर, निकालेंगे गमेट्स तो गमेट्स कौन कौन से बन जाएंगे गमेट्स बन जाएंगे एक्स सी और नॉर्मल वाई और यहाँ पर भी गमेट्स बन जाएंगे एक्स एन और एक्स एन नॉर्मल अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर ये वाला इसके साथ मिल गया तो देर विल बी एक्स सी एक्स एन ठीक है अगर ये इसके साथ मिल गया हम इसको ऐसे पनट स्क्वायर अगर मैं पोनट स्क्वायर भी इसको कर दूं तो वो भी इसका हम कर सकते हैं ऐसे अब ये वाला किसके साथ मिलेगा अगर मैं इस वाले को ही इस वाले के साथ मिला दूं तो ये बन जाएगा एक्ससी और एक्स एन ठीक ये हो जाएगा नॉर्मल ये भी नॉर्मल फीमेल अब देखते हैं अब इस वाले गेमेट को इस वाले के साथ मिलाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स नॉर्मल और वाई तो नॉर्मल ही है लास्ट में बचा ये ये हो जाएगा एक्स नॉर्मल वाई तो सन इज नॉर्मल दिस सन इज नॉर्मल दिस गर्ल इज नॉर्मल बट कैरियर है दिस गर्ल इज नॉर्मल बट कैरियर तो हमें निकालना क्या था हमें निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड तो आउट ऑफ द फोर इंडिविजुअल्स दो ही सन है दो डॉटर्स हैं कोई सा भी सन डिफेक्टिव नहीं है तो हम इसका आंसर लगाने वाले हैं जीरो द पॉसिबिलिटी सन टू बी जीरो क्वेश्चन मैं यहां पर इस पर लगा देता हूं तो एक और क्रॉस है इन ए क्रॉस लिखा गया है कि इन क्रॉस इन ए क्रॉस बिटवीन एक क्रॉस किसके दरमियान हो रहा है बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल एंड एंड अ फीमेल बोथ हिटीर वो क्या है क्रॉस है बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ क्या है हिटीरोस फॉर सिकल सेल एन फॉर सेल एनमिया तो दोनों है सिकल सेल एनमिया के लिए हिटरियोजाइगस ठीक हिटरिजाइगस फॉर सिकल सेल एनमिया अब हमें क्या निकालना है वट इज द परसेंटेज ऑफ द व्हाट वट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज व्हाट परसेंटेज कितनी परसेंटेज प्रोजेनी की डिजीज होगी ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज इट तो कितनी प्रोजेन इनकी डिजीजे हो सकती है ठीक है तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है तो पहला ऑप्शन है हंड्रेड परसेंट प्रोजेनिज ऑप्शन बी है फिफ्टी परसेंट प्रोजेनिज ऑप्शन सी है सेवेंटी परसेंट प्रोजेनिज और ऑप्शन डी है ट्वेंटी फाइव परसेंट विल बी डिजीजड तो देखो क्या कहा गया है इन्हें क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ फॉर सिकल सेल ही सिकल सेल तो अब हमें क्या निकालना प्रोजनी, प्रोजनी में कौन दैट मीन्स इनकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी इनकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या आ जाएगा तो देखो इनकी फर्स्ट जनरेशन में अगर हम यहां पर थोड़ा सा ऐसे करें थोड़ा सा इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ तो ये मेल है ये इसके दो गेमेट्स निकलेंगे ए और ए इसके भी दो गेमेट्स निकलेंगे ए और ए ठीक है अब देखो जो पहली जनरेशन इनकी होगी फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या हो सकता है ए, और ए ए ठीक ए, है ए और ए ये दूसरा इंडिविजुअल ए और ए अब तीसरा इंडिविजुअल कौन आने वाला है देखो ए और एटेरोजाइगस और चौथा इंडिविजुअल ए ए तो चार इंडिविजुअल्स आ गए इनमें और चार इंडिविजुअल्स में कौन सा डिजीज है एक डिजीजेड है तो आउट ऑफ द फोर इंडिविजुअल्स वन इज डिजीज क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में आ गया और रिसेसिव कंडीशन में डिजीज है कंडीशन में डिजीज है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे आउट ऑफ फोर इंडिविजुअल्स वन इज डिजीज तो मान लो कि चार हंड्रेड परसेंट बनाते हैं चार में से एक क्या है डिजीजेड है तो दैट मीन्स आउट ऑफ द फोर इंडिविजुअल्स वन इज डिजीज तो वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हो गया फिफ्टी 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 हो गया हंड्रेड तो वन इज डिजीज दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट यह हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट क्योंकि चार सन्स चार सन्स हो गए कितने चार सन्स हो गए अगर चार सन्स हो गए हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट में कितने डिजीज हैं ओनली वन इंडिविजल इज डिजीज आउट ऑफ फोर आउट ऑफ फोर वन इज डिजीज ठीक है आउट ऑफ फोर वन इज डिजीजेड तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज ट्वेंटी फाइव परसेंट इतनी बात आ गई क्योंकि ये ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी फाइव तो बन गया हंड्रेड परसेंट और इसमें से एक डिजीजेड है तो बाकी क्या है सेवेंटी फाइव क्या है सेवेंटी फाइव परसेंट आर नॉर्मल बट ट्वेंटी फाइव परसेंट आर डिजीज क्लियर है